हेलो दोस्तों, वेलकम टू डबल कैप ब्लॉग। और ब्लॉग में आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं मांगर गांव, जो कि अपना क्या कहते हैं अपना डेल ऑफ साइबर सिटी से मैक्स टू मैक्स 10 किलोमीटर है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई साहब बहुत अच्छा गांव है, बहुत जेनुअन है, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है और बहुत बड़ा गाँव है। इस गाँव की सबसे बड़ी खासियत रही है कि ये गाँव अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों को भी नहीं मिला था भाई। ब्रिटिश लोग भी इसको ढूंढ नहीं पाए थे, ऐसे में गाँव था। पर गाँव बहुत अच्छा है, व्यू पॉइंट बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे घूमने लायक है। okay. और यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत सारे हैं। wow. ठीक है भाई, भालू भी है, तेंदुए भी है और आई थिंक इसमें डियर वगैरह भी मिल जाते हैं। और हम भी तो जानवर ही हैं। कुत्ता है तो कुत्ता। ठीक है भाई, तो देखा जाए तो सब जानवर एक से ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी से स्टार्ट करेंगे हम, मांगर गांव को दिखाएंगे गुड़गांव से। और आप मांगर गांव देखो, वहां के व्यू पॉइंट्स देखो, आप वीडियो को एंजॉय करो। और रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखना आप लोग, ताकि आपको पूरे मजे आए। और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जितना हो सके भाइयों, लाइक और सब्सक्राइब करो इस वीडियो। दोस्तों स्टार्ट करते वीडियो, यहां से मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके बाय। सब मांगर गांव में एंट्री करेंगे। और ये फरीदाबाद का रोड है, हमने आगे से यूटर्न ले लिया है। बस हम यहाँ से तुरंत लेफ्ट लेंगे, वो तो रास्ता मांगर गांव में जाते हैं। अब यहाँ से लेफ्ट मांगर गांव शुरू हो जाएगा। रोड को दिखा देगा, दिखा दिया दिखा दिया। ये देखो दोस्तों, ये एंट्री है मांगर गांव का। और ये देख सकते हो आप, ये मांगर गांव की एंट्री होगी। चलते हैं मांगर गांव की साइड। ये एंट्री में ही देख के लग रहा है कि हम किसी जंगल में जा रहे हैं की बात है। आप देख सकते हो वहाँ के रास्ते, ये जा रहे हैं। ये पहाड़ों में नीचे उतरता हुआ रास्ता है मांगर गांव के लिए, जो कि गुड़गांव से 6-7 किलोमीटर आगे चल गए। रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। और जंगल वंगल देख के लग भी रहा है कि हाँ ठीक है। वाओ क्या अच्छे व्यू है, एंजॉय कर रहा है। अच्छी जगह है यार, देखो भाई साहब देख यार, यहाँ से दो रास्ते गए हुए, सीधा जाना है वहाँ जाना है यार। हमें तो ये भी नहीं पता, सीधा चलो कोई बात नहीं, रास्ता नहीं पता तो हम पूछ लेंगे। अरे पीछे से जुड़ रहा है यार, ये भी मजाक कर रहा है हमारे साथ कुलदीप जी। अरे वो पीछे से था, मैं सोच रहा हूं शायद लेफ्ट लेके सीधा पारम पार निकल जाएंगे। यार आप मजाक कर रहे हैं, मुझे क्या मजाक आता है, यहां से जाएगा, मैं यहां से निकल रहा था भाई। वाह यार, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं उसके लिए, अरे कौन सा रास्ता है कौन सा रास्ता है। काफी अच्छा यार, देख रहे हो व्यू। नाइट में आ जाओगे यहाँ पे भाई? देखो ना यहाँ पे ना, एक तो भालू और एक तेंदुआ और जो छोटे मोटे लोमड़ी बोमड़ी सब ये यहाँ पे आराम से मिल जाते हैं रात को। देखते हैं गाइस, हमें कुछ देखने के लिए मिलता है, नहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अलग बात है। ऐसे कॉमनली क्योंकि जंगल है पूरा, वैसे भी तेंदुए तो यहाँ पे बोर्ड लगा भी होता बाहर की तरफ। नहीं मिल गया ना तो हम बिल्कुल पक्का वीडियो में दिखाएंगे आपको और हम भाग जाएंगे वहाँ से। भालू मिल गया ना पार जाएंगे यहाँ से।
नहीं भाई, हम भाई भालू मिल जाता है कई बार यहाँ पे भाई, हकीकत वाली बात है। तो भालू तो आपसे डर जाएगा ना, भालू लेकर चल जाएगा, गाड़ी देनी पड़ेगी भाइयों। मैं तो मुझे तो लगता है ऐसे अगर भालू दिख गया ना सामने, भालू इनसे डर जाएगा। भालू को बैठा लेंगे, चला दे आगे रोड तक छोड़ देते हैं भाई। हाँ भालू को हम दे देंगे, कंपनी दे देंगे आज अभी भालू। काफी अच्छा लग रहा है, अरे काफी अच्छा रोड है। आप दोनों साइड देख सकते हो गाइस, जंगल ही जंगल है, काफी अंदर जाके गांव है। दोनों साइड ना जंगल ही जंगल आप देख सकते हो, बिल्कुल पहाड़ जंगल यही है। ये कोई मंदिर है यहाँ पे मांगर गांव में, अंदर जाते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मंदिर है हनुमान जी का, जय हनुमान जी। विलेज मांगर। वैसे रात को बियर काफी वो रह गए, डरावना है ना लाइट्स बहुत। आप ये देखो ना इधर पहाड़ी, ये देखो पहाड़, पता मैं आ रखा हूँ पहले यहाँ पे, एक वो भी है क्या कहते हैं एक झील भी है यहाँ पे। अच्छा पर मैं कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ था, मैं पिकनिक के लिए यहां पे, हां गाड़ी वाड़ी आगे लगाई थी, पैदल पैदल अंदर की तरफ गए थे। दोस्तों यहां पे एक झील है, मतलब उसमें मतलब काफी बड़ा है, जो सारे जानवर होते हैं जंगली वगैरह, वो पानी वगैरह यहीं से पीते हैं। ओके यहां पे लेफ्ट दिखाओ ना, लेफ्ट में है वो झील, आप ये देख सकते हो यहां पे सही में तरफ वो झील है। इस पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके नीचे काफी गहरी खाई है एक, कहीं ऐसा जगह मिलेगा तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। काफी मतलब भाई पैदल पैदल गए थे यहां से अंदर। अच्छा हम आए थे 2015 में थे, हम 15 में आए थे। ये सामने का आगे का व्यू पॉइंट, सामने देखो दोस्तों कैसा है, सामने की बढ़िया ऐसा लग रहा है। और हाँ यार एक चीज तो बताना भूल ही गया मैं, क्या दोस्तों इस गांव में ना, मांगर गांव के जो रूट्स हैं यहाँ पर, इस गांव में भी हाईवे मूवी की शूटिंग हुई थी, जो रणदीप हुड्डा थे जिसमें, उस पूरी मूवी की शूटिंग जो स्टार्टिंग थी यहीं से थी, मांगर गांव। अच्छा? से हाँ पूरे यहीं से निकल के आए थे वो लोग, पूरा रूट वगैरह पे गाँव में उन्होंने यहाँ पे शूट भी किया था नीचे जाके। वाह यार पूरी हाईवे मूवी की शूट इसी रूट पे हुई थी, आप देखना आप लोग जाके हाईवे मूवी पूरी वही शूट। ये देखो साइड में कैसी कैसी पहाड़ियां हैं, इस साइड देखो आप। वाह यार है ना यार, रुक के फोटो ले, पर रुक के फोटो लेना ठीक नहीं है यार यहाँ। नहीं नहीं हम रुकेंगे नहीं, जंगली जानवर और भी वीडियोस बनाने आगे क्योंकि यार उस टाइम हम आए थे ना, हम 5-6 थे, हम रिस्क नहीं ले सकते और भी वीडियो में, और आप किसी ने लपेट लिया तो फिर कोई जानवर ले जाएगा बैठा के अपने को अंदर। चल भाई अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों तरफ पहाड़ियां हैं इसमें, ऐसा लग रहा है मसूरी में हम। देख यार सच्ची में भाई सीरियसली बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं यार, आगे से लेंगे पीछे से लेंगे। सोचो दोस्तों यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे, रात का व्यू कैसा होगा यहाँ का। एक चीज तो कंफर्म है, ठंड बहुत लगती होगी यहाँ पे। पेड़ी पेड़ी बहुत हरियाली है यार, हरियाली है, ये हमारी नेचुरल ब्यूटी। जय गौ माता। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने फार्म भी बनाए हुए अपने, फार्म हाउस टाइप में बढ़िया, अपना चिल करने के लिए। ये पहाड़ी का व्यू दिखा यार, पीछे लो ले लो, पीछे ले लो, पीछे ले लो। ये मांगर आप आ गए हो, आप देखो ये होटल है आई थिंक कोई, द ललित मांगर। ये वाला व्यू दिखा यार, ये देखो दोस्तों आप व्यू देखो यार, बिल्कुल लग ही नहीं आप मनाली वगैरह मसूरी वगैरह नहीं हो यार, मनाली में या मसूरी में पता नहीं कहाँ यार हम, यहाँ कितना अच्छा देख रहे हो आप गुड़गांव की पहाड़ी। बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है यार, देखो गुड़गांव में ऐसी चीजें भी हैं यार, हकीकत में हमारा गुड़गांव भी बहुत कुछ है गुड़गांव में भी यार घूमने के लिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, वही है ना यार, पता नहीं था ना हम मांगर में ये भी है, ये भी है, ये राजकीय उच्च विद्यालय मांगर, मांगर गांव देख सकते हो गाइस। ओह माय गॉड, ओह वाओ यार सीरियसली, ओह भाई साहब रुक जाओ, है ना व्यू पॉइंट अच्छा है यार। देख ये गांव है मांगर, देखो नीचे यहाँ लगा लेता हूँ यार मैं, अब गाड़ी साइड में कोई नहीं, यहाँ लगा लो एक बार, यहाँ से कैमरे से दिखाऊं उनको, नीचे उतर के दिखाता हूँ गाड़ी ना, मैं आगे लगाता, मैं नीचे उतर के आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार मांगर गांव। ये देखो भैया वही गांव है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको मांगर गांव। व्हाट आर यू डूइंग, डोंट डू दिस। दोस्तों मैं आपको मांगर गांव दिखाता हूँ, ये तो ये देखो ये गुड़गांव का मांगर गांव दोस्तों, देखो यार कितना अच्छा व्यू पॉइंट है यार,
खाना यार कितना अच्छा है भाई, देख रहे हो दिल खुश हो गया, लग रहा ना मनाली आ गए गुड़गांव का मनाली। बिल्कुल यार यार आप देख सकते हो बहुत सारे लोग आते रहते हैं, टूरिज्म टाइप में ही है एक, हम भी आए हुए हैं। भाई बहुत अच्छा गांव है घूमने के लिए भी, अच्छा मतलब लग ही नहीं रहा है कि गुड़गांव में आप लोग यार, इतना अच्छा भी पड़े, इतनी शांति, इतनी हरियाली है यहाँ पे, ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी है ना। बिल्कुल, आओ चलो नीचे चलते हैं, चलिए हम आगे दिखाते हैं दोस्तों आपको भी तो और लंबी कहानी इसकी। अब हम नीचे उतर रहे दोस्तों, मांगर गाँव का आराम से।